स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे कच्ची दाबेली। तो ठेले वाले से भी बढ़िया आप घर पे आसान तरीके से बना सकते हो। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें। तो पहले हम आलू को बॉईल करेंगे। तो मैंने इधर 400 ग्राम आलू लिए हैं। तो मैंने तीन बड़े आलू लिए हैं, उसे दो हिस्सों में काट लिया है और मैंने उसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। एक पानी से धो लेंगे और इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और ढक्कन लगाकर हम मीडियम गैस पर 4 विसल कर लेंगे और आलू को बॉईल कर लेंगे। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, अभी मैं उसके छिलके निकाल दूंगी पानी निकाल कर। तो आलू को मैंने छिल लिया है, अभी हम आलू को मैश कर लेंगे। तो ये रेसिपी में मैंने इमली, गुड़ की चटनी, दाबेली का मसाला और जो मसाला सिंग मसाले सिंगदाने यूज किए हैं, मूंगफली के दाने, तीनों मैंने घर पे बनाए हैं। मैं सबकी रेसिपी वन बाय वन शेयर करूंगी और जो जो रेसिपी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, अभी हम धनिया की चटनी बना लेंगे। तो उसके लिए 1.5 कप धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे, 3 लहसुन की कलियां, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिए, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाल देंगे, आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे और हम दाबेली के लिए धनिए मिर्ची की चटनी बना लेंगे। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, दाबेली में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैंने 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल के चटनी को बना लिया है, अभी हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। और मैंने इधर 4 टेबलस्पून दाबेली का मसाला लिया है। बटर हम लेंगे जरूरत के हिसाब से, आधा कप इमली और गुड़ की चटनी है, आधा कप अनार के दाने हैं, आधा कप हरी चटनी और आधा कप जितने मसाले सिंग मसाले पीनट्स है। तो मसाले पीनट्स, इमली की चटनी, इमली और गुड़ की चटनी और दाबेली का मसाला, तीनों का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अभी मैंने इधर आलू को रेडी कर दिया है। तो 400 ग्राम आलू का हमें मसाला बनाना है। तकरीबन आप 12 से 13 या 15 दाबेली बना सकते हो और नायलॉन सेव ले लेंगे जरूरत के हिसाब से और दाबेली के पाव ले लेंगे। तो बेकरी स्टोर में इसके थोड़े राउंड पाव रहते हैं, ये ले लेंगे हम। तो पहले हम दाबेली का स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में 100 ml पानी या आधा कप पानी ले लेंगे, उसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच दाबेली का मसाला ले लेंगे और उसे अच्छे से घोल लेंगे। तो हमने सारे जो दाबेली का मसाला लिया है वो मैंने पहले से सेक के ही उसे मैंने पीस के रेडी किया है। तो हमें उसे पानी में अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना है, इसको हमें तेल में सेकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ऐसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम एक पैन में 50 ml या फिर 1/4 कप जितना तेल ले लेंगे और उसे हम हल्का गरम करेंगे। तो आलू के स्टफिंग में थोड़ा तेल ज्यादा जाता है, अगर आपको कम लेना है तो आप कम भी ले सकते हो। और इसमें हल्का गरम तेल हो जाए हम डाल देंगे घोल दावेली मसाला और पानी का मिक्स कर देंगे और हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। तो ये जो मैंने दाबेली का मसाला बनाया है उसमें मिर्ची पाउडर बहुत ज्यादा नहीं है। तो मिर्ची पाउडर आपको टेस्ट कैसा चाहिए उसके हिसाब से हम अभी मिर्ची पाउडर डालेंगे। जब भी पानी ऐसे उबलने लगे तभी आप 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून तक जितना आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। नमक हम डाल देंगे आलू के हिसाब से और ग्रेवी के हिसाब से। तो आलू में मैंने थोड़ा डाला था पर वो कम होता है इसलिए अभी डाल दिया मैंने नमक। मिक्स कर देंगे और ऐसा अच्छे से उबल जाए हम उसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल देंगे। और अच्छे से
ग्रेवी के साथ आलू को मिक्स कर देंगे, तो जो दाबेली का मसाला रहता है वो ऐसा सॉफ्ट रहता है। अगर आपको ज्यादा और सॉफ्ट चाहिए तो आप और पानी भी ले सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये बराबर है। और थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट और देने के लिए मैं इमली और गुड़ की चटनी, तो 1 टेबल स्पून से थोड़ा ऊपर हम इमली और गुड़ की चटनी डाल देंगे, तो उसका भी रेसिपी है मेरे चैनल पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, गैस की आंच बंद कर देंगे और हमारा दाबेली का मसाला स्टफिंग रेडी हो गया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और ऐसे हम फैला देंगे और हम ऊपर से मसाला शेंगदाने ऐसे फैला देंगे, दबा देंगे। अगर अंगूर की सीजन हो तो आप हरे और काले अंगूर ग्रेप्स भी आप इसमें डाल सकते हो, तो अभी नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। अनार के दाने ऐसे दबा देंगे, थोड़ी टूटी फूटी डाल देंगे, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। बारीक कटा हुआ धनिया इसे दबा देंगे और हमारा दाबेली का स्टफिंग अच्छे से रेडी हो गया है। आप ये पहले से बना के रेडी रख सकते हो, जब भी आपको दाबेली बनानी है तभी स्टफिंग रेडी है, तो आप चटनियां लगाए और दाबेली सेक के तुरंत ही सर्व कर सकते हो। तो अभी मैं एक पाव ले लूंगी, तो हम ऐसा क्रॉस में रख के ऐसे उसे काटेंगे, इधर से हम बंद रखेंगे, ऐसे खोल लेंगे पाव को। पहले हम हरी चटनी लगा देंगे, तो नीचे के साइड हरी चटनी, तो आपको कितनी तीखी बनानी है उसके हिसाब से तीखी चटनी, और दूसरी साइड हम मीठी चटनी, तो इमली की चटनी। किसी किसी को मीठी चटनी नहीं पसंद है तो आप वो मत डालिए, अकेली तीखी चटनी दोनों साइड भी डाल सकते हो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो सिर्फ मीठी चटनी डालिए और उसमें 1 टेबल स्पून जितना हम दाबेली का स्टफिंग डाल देंगे, अच्छे से डालेंगे। और ये मैं प्याज बिना वाली बना रही हूँ, तो डायरेक्ट हम मसाला सिंग डालेंगे। तो लहसुन प्याज बिने दाबेली में, आप चटनी में लहसुन स्किप कीजिए और दाबेली में प्याज मत डालिए, तो लहसुन प्याज बिना वाली दाबेली बनेगी। और दूसरी जो मैं बना रही हूँ उसमें हम प्याज डालेंगे, तो पहले नीचे के साइड हम हरी चटनी लगा देंगे, बन को घुमा देंगे, ऊपर की साइड मैं इमली और गुड़ की चटनी डाल दूंगी, स्टफिंग डाल देंगे अच्छे से। और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, मूंगफली के दाने डाल देंगे और ये हमारी दाबेली रेडी हो गई। तो ऐसे ही मैं सारी दाबेलियां स्टफ कर लूंगी, तो पहले से आप भर के रख दीजिए, फिर एक साथ आप उसे सेक सकते हो। तो दाबेली को सेकने के लिए मैंने तवा रख दिया है, तवा हल्का गर्म हो गया है, उस पर हम बटर फैला देंगे, उस पर हम हमारा दाबेली रख देंगे, दूसरी दाबेली रख देंगे, ऊपर से थोड़ा और बटर लगा देंगे और हम दाबेली को हल्का ही दबाएंगे, बहुत ज्यादा मत दबाइए, हल्का ऐसे प्रेस करते हुए दाबेली कड़क हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तब तक हमें उसे सेकना है। तो गैस की आंच मैं मीडियम रखूंगी, एकदम हाई नहीं रखनी है हमें दाबेली को सेकते टाइम। तो दूसरी साइड से क्रिस्पी हो जाए हम घुमा देंगे और हल्का लाल होने दूंगी ऊपर में थोड़ी दाबेली को। तो अभी दाबेली ऊपर से भी लाल हो गई है, हम उसे ऐसे घुमा देंगे, तो आप देख सकते हो हमारी दाबेली हो गई है, हम उसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ऐसे ही मैं बटर फैला दूंगी और दूसरी दाबेली रख दूंगी, ऊपर से और बटर लगा देंगे। अगर आपको बटर नहीं पसंद है तो बटर की जगह आप तेल और घी भी ले सकते हो। तो मैं दोनों दाबेली को
ऊपर से थोड़ी लाल हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तब तक उसे सीख लूंगी। तो सारी दाबेली हम ऐसे बना लेंगे और दाबेली जब भी गर्मा गर्म हो तभी हम उसे बारीक सीव में ऐसे साइड से लगा देंगे। तो आपने घर पे कभी दाबेली नहीं ट्राई की हो तो आप ये रेसिपी से दाबेली मसाला दोनों चटनियाँ और दाबेली एक बार जरूर बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो आप ये कच्ची दाबेली की रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कच्ची दाबेली दाबेली की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।